दोस्तों तुरई तो आपने बहुत खाई होगी, आज हम बनाएंगे तुरई के फूल और उसके जो गुठमने होते हैं यानी कि अध खिले फूल, उनकी सब्जी बनाएंगे। तो हाँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एकदम फ्रेश फ्रेश तोड़ते हुए। इन पे तुरई नहीं आती है, ये जो फूल है तुरई वाले फूल हम नहीं तोड़ेंगे, जिस पर तुरई लगी रहती है इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। हमारे यहाँ ऐसे गुठमना बोलते हैं और तुरई के फूल आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो चैनल मेरा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, तो हम तोड़ लेते हैं। बहुत सारे हैं यहाँ, दो तरीके के बेल हमने लगाई थी करीब 6 महीने पहले, और बरसात का टाइम है तो बहुत सारे फूल आ गए हैं, तो इसको हम तोड़ ले रहे हैं। इसे बूंदे की सब्ज़ी भी कहते हैं उत्तर प्रदेश बरेली में, आपके शहर में इसे क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों ने तो खाई नहीं होगी, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए सारा तोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फूल समेत उसके गुठमने तोड़ लिए हैं, और इसमें चींटियाँ बहुत सारी हैं, तो इसे हम चींटियों को निकाल लेंगे पहले, फिर हम इसे धो के साफ़ करेंगे। हमारे यहाँ ये बाज़ार में भी बिकते हैं, तो इस तरीके से हम झटक झटक के चींटियों को निकाल लेते हैं बाहर, और इस तरीके से हम तोड़ लेंगे हल्के हल्के। फूल को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो सब मैं अलग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिए कढ़ाई, इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने पर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, मैंने एक लहसुन छील के काट लिया है। लहसुन जब हो जाएगा आपका हल्का हल्का, तब उसमें हम डालेंगे हींग। आप देखिए लहसुन पूरा ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज डाल लेते हैं, और इसे भी अच्छे से फ्राई करना है हल्का हल्का ब्राउन होने तक। बहुत सिंपल तरीका है ऐसे बनाने का, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक टमाटर काटा हुआ है, टमाटर भी डाल देते हैं। प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका था, बूंदे की सब्ज़ी इसे कहा जाता है, इसे आलू के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू भी काटे हुए हैं लंबे लंबे स्लाइस में, और ये देखिए हमने धो के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। ये जो बूंदे हैं यानी कि जो घुटमने हैं और फूल, वो मार्केट में 40 रुपये किलो बिकते हैं, और ये करीब आधा किलो के आसपास मैंने घर से ही तोड़ लिया, और मैंने 20 रुपये के बीज लगाए थे तुरई में। 6 महीने का समय लगा, जिसमें से मैं 2 बार तुरई खा चुका हूँ, और अभी तुरई वापस से मैं रेसिपी बनाऊँगा तुरई की, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। जल्दी आपको नए प्रकार की रेसिपी मिलेगी तुरई की। तो इसे हम फ्राई करेंगे अभी, और ढक देते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए करीब 2 मिनट हो चुके हैं, और पानी आपको बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें। तुरई के जो बूंदे हैं यानी कि गुठमने, वो पानी छोड़ते हैं, और हमने धो के डाले थे तो उसमें हल्का पानी गया था, तो उतना पानी काफ़ी होता है फिलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सूखे मसाले, और बहुत ही सिंपल मसाले हम यूज़ करने वाले हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और इसमें हम साथ ही साथ ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, अब इन मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे हम हल्का सा पानी अब ऐड करेंगे, आधा गिलास से भी कम,
ताकि आलू गल जाएँ, और ढक देते हैं इसको। तो फाइनली 2 मिनट हमने और इसको रखा, और बीच बीच में हम चलाते भी रहे। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आलू गल चुके हैं और बूंदे तो वैसे भी गल जाते हैं बहुत जल्दी। तो अब इसमें हम गैस को कर देते हैं बंद, और इसमें हम डालेंगे अब हरा धनिया। और सब्जी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। तो इसे आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ, चावल के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, सूखी सब्जी है एकदम, और जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती। तो कभी भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।